Okay, I'll solve these questions. Last time discuss किए थे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन, टेंजेंट और नेपियर्स रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूजिंग दोस फाइंड आउट ऑल दिस। दिया था।
डन। इन डाउट जिसमें क्या हुआ। सेकंड वन इसको ओपन कर दीजिए तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी विल गेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाय टू हियर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाय टू इज व्हाट वन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाय टू दैट इज ए स्क्वायर लाइक बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाय टू बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस टू ए बी कॉस स्क्वायर सी बाय टू माइनस टू ए बी कॉमन ले लो देन कॉस स्क्वायर सी बाय टू हियर यू गेट प्लस टू ए बी साइन स्क्वायर सी बाय टू तो माइनस टू ए बी ऑलरेडी आप कॉमन ले चुके हो तो कॉस स्क्वायर सी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉस सी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी कितना होता है सी स्क्वायर डन। और कुछ डाउट है इसमें और किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। फोर्थ वन ए बाय कॉस ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू बी बाय कॉस बी इज इक्वल टू सी बाय कॉस सी तो एक जगह आप क्या लिख सकते हो यूजिंग साइन रूल ए इज इक्वल टू व्हाट बी साइन ए बाय साइन बी तो आप ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी दैट इज डिफरेंट। ए को सिंपल क्या लिखोगे साइन रूल में साइन रूल टू आर साइन ए ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए आपको मिल रहा है ना ए बाय साइन ए इक्वल टू टू आर तो सिंपल ए के जगह हम टू आर साइन ए यूज करते हैं तो जहां पे ए बाय बी ओ केस में हम साइन ए साइन बी के साथ चलते हैं अदरवाइज ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए बी इक्वल टू टू आर साइन बी सी इक्वल टू टू आर साइन सी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा टू आर साइन ए अपन कॉस ए टेन tan a equal to 2r tan b is equal to 2r tan c तो tan a equal to tan b equal to tan c तो triangle कौन सा होगा equilateral equilateral triangle case में tan a equal to tan b मतलब angle a equal to angle b
और कुछ ऑप्शन नहीं बनता है आपका। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा। ओके बट ट्रायंगल केस में और कुछ नहीं होगा क्योंकि एन के जगह जीरो डालोगे तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, वन डालोगे तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन ए ट्रायंगल, आगे नहीं होता है कुछ। तो इन ए ट्रायंगल इफ टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा और टैन ए इक्वल टू टैन बी देन ए इक्वल टू बी और कुछ नहीं होता है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ट्रायंगल कौन सा बन गया? इक्विलैटरल साइड 2 हो जाएगा। तो एक साइड दिया गया 2 तो रूट 3 बाई 4 है इसको। क्यों नेट ट्रायंगल एबीसी और स्मॉल ए इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 120 एंड सी इक्वल टू 30। ये 120 डिग्री दिया गया, ये 30, तो ये कितना होगा? अब कोई भी क्वेश्चन देता है ना सिंपल एक ड्रॉ करो ग्राम ड्रॉ करो तो आ जाता है, मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ऐसे रैंडमली करोगे तो जरूर नहीं कि आप यहाँ पे 30 डिग्री आपको मिलेगा, मतलब ये तो दिस बिकेम स्मॉल ए गिवन 2 तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी आइसोसेलेस ये ए दिस वन गिवन 2 ठीक है, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। हाँ सर दो साइड मिल गया, इंक्लूडेड एंगल मिल गया, एरिया पूछ रहा है, क्या बताया था एरिया? आप एसी साइन बी, एसी साइन बी कोई भी दो साइड रखो इसका इंक्लूडेड एंगल चाहिए, मुझे दो साइड रखा इसका इंक्लूडेड एंगल। हाफ टू टू साइन 120 समझा? Okay, solve these questions. करेक्ट है, इसमें कुछ चाहिए सर? थर्ड थर्ड वन जस्ट मल्टीप्लाई कर दो
simplify it. It is AB square cos A plus AC square cos A plus BC square cos B plus BA square cos B C square cos C plus CB square cos C. AB square BA square ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा AB कॉमन देन B cos A plus A cos B like that AC square C square from these two you can take common AC then C cos A plus A cos C like that from these two again you can take common BC so C cos B plus B cos A ये कितना होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी प्रोजेक्शन सी ये हो जाता है बी ये होता है ए तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी समझा और कुछ Sixth one. Angle A pi by 4, 45 degree. Angle B pi pi by 12, मतलब 75 degree. तो angle C कितना होगा? 45, 75, 120, तो 60 डिग्री होगा क्वेश्चन दिया गया ए प्लस रूट टू सी इज इक्वल टू के इंटू बी ये कौन सा फॉर्मेट में आ सकता है जो हमें फॉर्मूला पता है कौन सा फॉर्मेट में आ सकता है प्रोजेक्शन 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 क्या फॉर्मूला था ए कॉस सी क्योंकि ए के साथ सी भी है तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू बी है ना तो ये सिमिलर ऐसा ही दिखाई दे रहा है तो एक बार चेक करो ए कॉस सी मतलब कॉस 60 प्लस सी कॉस ए 45 इक्वल टू बी That means ये होता है a by 2 plus c by root 2 is equal to b. 2 multiply कर दो, then a plus root 2 c is equal to 2b. मिल रहा है? वही दोनों का left side same है, तो right side same हो जाएगा, तो k का कितना मिला? और कुछ तंत्र सबको 2 4 चाहिए क्या
और क्या लिखे आप? क्या हुआ सेकंड वन? दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. वो ये दोनों टर्म सिमिलर दिखाई दे रहे हैं. दिस टू आर सिमिलर टर्म. ये दोनों को एक साथ रखो, एलसीएम क्या हो जाएगा? ऐसे न्यूमरेटर टू कॉमन ले सकते हो, देन सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी प्लस cos b by b equal to a by pc plus b by c. ये कितना होता है? a cos c plus c cos a, ये आपका b दे देगा, तो 2b by ac इसके साथ ले लो सिमिलर. That implies cos B upon B is equal to A by BC. ये B by AC minus 2B by AC. That is minus B by AC. तो ये आपको दे देता है. दे दो. तो cos B का cosine formula डाल दो. कितना होगा? A square plus C square minus B square upon 2ac upon b, मतलब 2abc is equal to, इसका भी LCM abc, numerator a square minus b square, abc abc cancelled, that implies a square c square minus b square is equal to 2a square minus 2b square.
That implies minus 2b square take to left side plus 2b square plus c square. So a b square plus c square is equal to a square. So triangle became a right angle triangle and right angle at A. That'd be difficult. थर्ड इतना जल्दी नहीं मिलता है सर, उसमें मतलब साइड्स एपी में हो जाएंगे ना? थर्ड वाले में साइड्स एपी में आ जाएंगे ना? ए प्लस सी इक्वल टू क्या किए, क्या किए बताओ? एपी हाँ आ सकता है, बट क्या किए? तो कोसाइन रूल डाल दो, डालोगे? इट इज टू डिफिकल्ट, तो उसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों बड़े फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फर्स्ट वन फोर इज द करेक्ट, वन इज द रॉन्ग वन। फर्स्ट वन सबको मिला? हाँ सर। नहीं सर, नहीं मिला सर। थर्ड वाले में ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही आएगा ना, कॉस ए प्लस कॉस सी लेके उसको राइट साइड भेज दे तो कॉस बी को। कॉस ए कॉस सी से क्या किया सर? वो मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला था ना। अच्छा, उससे सर लास्ट में इतना मिलेगा कि मतलब तीनों साइड एपी में है, फिर हम लोग ए प्लस सी को टू भी करके। आप बोले कि कॉस ए प्लस कॉस सी रखा मैंने, इसको इधर ले लिया तो हाँ, टू इंटू वन माइनस कॉस प्लस बी, इसमें डालेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस ए प्लस सी बाय टू इंटू a minus c by 2 cos।
इक्वल टू इसमें वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर बी बाय टू एंड कॉस ऑफ ए प्लस सी बाय टू साइन बी बाय टू होता है। हाँ सर एक कैंसिल होगा, एक टू कैंसिल हुआ एंड देन कॉस ऑफ ए माइनस सी बाय टू बिकम टू साइन बी बाय टू। इसके बाद क्या किया, सर कॉस ऑफ बी बाई टू मल्टीप्लाई कर दो दोनों बाजू। कॉस ऑफ बी बाई टू ओके तो कॉस ऑफ बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू टू साइन बी बाई टू प्लस बी बाई टू फाइव। तो ये हो गया आपका साइन बी और सर वहां पे हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस सी बाई टू मतलब कॉस बी बाई टू पाई माइनस ए प्लस सी साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू इनटू कॉस ऑफ ए माइनस इक्वल टू साइन बी टू मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर तो साइन ए प्लस ये साइन ए साइन प्लस सी साइन टू सी हो साइन गया। बी। That implies a plus c equal to 2b. हाँ सर a plus c के जगह 2b डालोगे तो तो ये थ्री हो आ जाएगा जाएगा 4 सर। into 2b upon 2b. Good. और एक alternative इसका मैं बता रहा हूँ। कॉस ए प्लस टू कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू टू। ये थोड़ा ट्रिकी है बट इजी हो जाता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा डिसिमिलर टर्म, ये सिमिलर है तो बी मल्टीप्लाई करो कॉस बी के हिसाब से बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी फॉर दिस करेक्ट। तो पी कॉस ए के जगह आप डालो प्रोजेक्शन रूल, बी कॉस ए यू नो ए कॉस बी प्लस बी कॉस इक्वल टू सी है ना। हाँ सर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी तो b cos a की जगह मैं लिख सकता हूँ ना c माइनस a cos b प्लस 2b cos b। मैं सबको cos b में लाना चाहता हूँ। b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू a तो b cos c की जगह आप लिख सकते हो a माइनस माइनस सी कॉस बी इक्वल टू अरे That implies a plus c minus 2b. A plus c minus 2b. बाकी ये तीनों से minus cos b common रखेंगे. You have a plus c minus 2b. Am I correct? हाँ सर. Equal to zero. That implies a plus c minus 2b equal into one minus cos b इक्वल टू जीरो। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल जीरो, आइदर फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा नहीं तो सेकंड जीरो होगा बट सेकंड फैक्टर जीरो नहीं होता। ओके सेकंड फैक्टर जीरो नहीं होता तो क्या मिलेगा, ये क्यों जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा तो कॉस बी वन होगा
कॉस थीटा कब वन होता है? अगर वो एंगल जीरो हो जाता है तो एंगल जीरो, तो एंगल भी तो कभी जीरो नहीं होगा ट्रायंगल में, तो इसलिए इसको ही जीरो होना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज ए प्लस सी इक्वल टू टू बी, और यू कैन राइट ए बी सी आर इन एपी। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, बट कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, घुमा के पूछता है। तो जहां पे टू पार्ट्स रहेगा ना, वो मिडिल टर्म होगा। कभी क्वेश्चन पूछता है कि कॉस ए प्लस टू कॉस सी प्लस कॉस बी इज इक्वल टू टू, मतलब क्या होगा, ए सी बी आर इन, यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी, ए केस होगा तो आपका एस सी बी आर इन एपी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, आपको जो जैसे भी आप कर सकते। बाकी फर्स्ट वन क्यों नहीं हुआ, ए स्क्वायर साइन टू सी प्लस सी स्क्वायर साइन टू, डन। ए स्क्वायर साइन टू से प्लस सी स्क्वायर साइन टू है, वो आप इसको साइन टू थीटा डाल दो, टू साइन सी कॉस सी टू साइन ए कॉस ए, साइन सी के जगह साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा, और टू साइन सी आप क्या लिख सकते हो साइन रूल के हिसाब से। A by R, C by R, C by R, हाँ मतलब C by, हाँ साइन सी C by R into cos C square two sine A, you can write A by R cos। अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, AC AC SC by R कॉमन रखा तो मिला क्या, a cos c plus c cos a projection rule, ये हो गया abc है ना, ये b हो गया into ac, abc एक 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल नहीं एरिया का, हाँ सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, it is 4 area।
हाँ कर सकते हो, टू एरिया अपॉन ए बी इक्वल टू साइन सी, वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन दो टू डिफरेंट मेथड में हुआ, तो कैसे भी आप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एंगल ए इक्वल टू 3 सी, देन प्रूव दैट ए माइनस सी अपॉन 2 सी इक्वल टू साइन बी बाई। सर अगर कभी नहीं बन रहा तो हम ट्रिगो का भी यूज करके निकालने की ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 सी, और देन प्रूव दैट ए माइनस सी बाई 2 सी। इसमें साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन 2 sin। 2 sin c। अभी ए के जगह 3 सी डाल दो, साइन 3 सी माइनस साइन सी अपॉन 2 sin c। इसमें साइन सी माइनस साइन डी डाल डाल दो, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, टू टू कॉस कॉस सी प्लस सी डी प्लस बाई डी बाई टू 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 सी इंटू साइन सी सी माइनस डी बाई टू। माइनस करेक्ट, कॉस अच्छा टू सी। कॉस 2 सी मिला हमें। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए की जगह 3 सी, तो 4 सी प्लस बी फोर इज इक्वल टू, पाई तो 2 सी क्या होगा, पाई माइनस हाँ पाई माइनस बी बाई टू। पाई माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2 हाँ सर डालो, तो कॉस 2 सी के जगह मैंने डाल दिया 90 माइनस थीटा बी आ गया। यस सर। अभी करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। सर एक बार वो ऊपर का नोट कर ले। डन, सर हाफ एंगल फॉर्मूला, व्हाट इज हाफ एंगल फॉर्मूला, हम साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू का फॉर्मूला होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, इसका सॉरी इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी।
एक्चुअली हम साइन स्क्वायर ए बाई टू से निकालेंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस में कैसे लिखेंगे, कॉस ए में? 1 माइनस कॉस ए बाई टू, 1 माइनस कॉस ए बाई टू, विच इज 1 माइनस कोसाइन। फॉर्मूला डाल दो तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC। होल डिवाइडेड बाय टू, हाँ विच इज 2 BC माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट ना? तो यस सर, तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर। हाँ, ए ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होगा 2 BC हाँ सर माइनस वही। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तीनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC आ गया, अपॉन 2 BC अपॉन 2 मतलब 4 BC। 4 BC। इसमें डालो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे एरन्स रूल, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, ए प्लस बी माइनस माइनस सी इनटू ए इंटू ए प्लस माइनस बी प्लस सी अपॉन 4 BC। ए ए प्लस सी माइनस बी, लास्ट टाइम बताया था ना, 2 इंटू एस माइनस बी लिख सकते हो, यस सर, और ए प्लस बी माइनस सी यू कैन राइट 2 इंटू एस माइनस सी। अपॉन 4 BC आ गया। यस आ गया सर। एक्चुअली इसमें प्लस माइनस होना चाहिए बट नहीं होगा, क्योंकि साइन ए बाई टू क्या होता है, ए बाई टू ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा ट्रायंगल में। एक्चुअली यहां से साइन स्क्वायर से आप निकाल रहे हो ना, तो हाँ साइन सर ए बाई टू एक्चुअली प्लस माइनस होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए, बट ए बाई टू क्या होता है, ऑलवेज 90 से कम होता है। तो साइन और कॉस कुछ भी रखो, या एक्यूट एंगल, बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल दिस इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप माइनस साइन रख नहीं पाओगे, तो यू हैव टू कंसिडर ओनली प्लस साइन, माइनस साइन नहीं होता। इसलिए साइन ए बाई टू का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। हम जब ए करें, ए बाई टू कर रहे हैं, ये बीसी में दे रहे हैं। सिमिलरली साइन बी बाई टू क्या होगा, एस माइनस एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी बाई टू होगा आपका एस ए माइनस और ए बी एस माइनस बी अपॉन ए बी। बी, लाइक दैट कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू में आपको मिलेगा एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस बी बाई टू होगा एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस सी बाई टू होगा एस इंटू एस एस इंटू एस माइनस माइनस सी सी अपॉन अपॉन ए बी बी, इसका ए। स्क्वायर रूट, ठीक है? सिमिलर मेथड, आप कॉस स्क्वायर ए बाई टू दैट यू कैन राइट 1 प्लस कॉस ए बाई टू, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू विल गेट दिस वन। अब बताओ टेन ए बाई टू क्या होगा, टेन ए बाई टू साइन बाई कॉस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है? एस माइनस पी बाई एस माइनस बी इंटू एस एस माइनस माइनस सी सी अपॉन अपॉन एस माइनस ए। एस इंटू एस माइनस हाँ ए, एस इनटू एस माइनस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए बाई टू। और
हम बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एस इंटू एस माइनस है बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इनसाइड योर सर फिर स्क्वायर, तो एरॉन्स फॉर्मूला ही मिल जाएगा, तो क्या होगा? एस न्यूमिरेटर क्या हो इनटू जाएगा? एस एरिया, माइनस डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल होके एस इंटू एस माइनस है, हमें करेक्ट। हाँ सर और यस न्यूमेरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो क्या होगा? न्यूमेरेटर होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में एरिया आ जाएगा, हमें करेक्ट। यस सर आपको तो ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बाकी सेकेंड और थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों यूज कर सकते हो, तो किसके साथ जाओगे सो दैट आपका सिंप्लीफिकेशन इजी होता है? सर सेकंड थर्ड वाला वाला? यस नो, गो विथ योर थर्ड रादर देन सेकेंड, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जितना कंपैक्ट होता है ना तब आपका सिंप्लीफिकेशन इजी होता है, ठीक है? यहाँ पर डिनोमिनेटर फिक्स होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ए के साथ रखो कि बी के साथ रखो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन फिक्स, देन गो फॉर दिस वन, थर्ड वन के साथ जाओ। सिमिलरली टेन बी बाई टू क्या होगा? एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ठीक है, एस इनटू एस माइनस बी इसका स्क्वायर रूट और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस एस इंटू इनटू एस एस माइनस माइनस बी बी और एस इनटू एस ए माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एरिया, लाइक टेन सी बाय टू। कॉट ए बाय टू क्या होगा? रेसिप्रोकल से इसका रेसिप्रोकल एस इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका एस इनटू रेसिप्रोकल एस माइनस ए अपॉन एरिया और ट्रा एरिया एरिया अपॉन ट्रायंगल हाँ अपॉन एस एस माइनस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी किसके साथ जाओगे? अभी सेकंड वाले के ठीक है, लाइक कॉट बी बाय टू वन, तो दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, समझाइए राइट हाँ सर अप।
सर यस सर आप ये लॉज में और मतलब ये मॉड्यूल का उसका भेज दो क्या एसओटी का? भेजा था कल भेजा था ना? सर नहीं ये लॉज में सर कौन सा उसमें कल भेजा था? आपने ग्रीन में कल भेजा था। अच्छा ठीक है बेहतर। अभी वो दो क्वेश्चन करो ना जो दो मैंने काट दिया, ये कर दिया था आंसर के।
डन। डन सर। फ्रेंड्स बताओ ये सेकंड वन हाउ यू गॉट सेकंड वन। फर्स्ट वन तो ठीक है, फर्स्ट वन वो सबको मिला होगा। सर हाँ सेकंड सर। वन में 10a+b/2 कर दिया ऐड करके, ओके। तो सर उसके फॉर्मूला में 10a/2 और उसकी वैल्यू डाल दी, देन क्या मिला? सर फिर 10c/2 मतलब उसको cot a/2 के साथ वो कर दिया, ओके। तो सर 10c/2 की वैल्यू मिली, फिर दोनों को मतलब फिर दोनों को कर दिया ना सर, तो उसके फॉर्मूला में 10a/2 और 10c/2 को मल्टीप्लाई किया तो AP में मिला सर तीनों। बट आपको स्ट्राइक कैसे हुआ कि 10a/2 मतलब ये करेंगे, प्लस करेंगे? सर उसके ही फॉर्मूला में आता है ना मतलब ये दोनों की वैल्यूज पुट करने के लिए। हाँ, तो आप तो कोई तो इनिशियली 10a/2 का फॉर्मूला डालेगा, 10b/2 का फॉर्मूला डाल के कुछ चेक करेगा। इनिशियली तो स्ट्राइक नहीं होता है ना, टैन ऑफ ए प्लस बी बाई टू आपने कहा। एनीवे दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। ये रिजल्ट को याद रखो, मेक इट नोट। फर्स्ट वन, इफ एबीसी आर इन एपी देन 10a/2 × 10c/2 = 1/3। ये मिला ना सबको? हाँ यस सर सर। मिल गया, यस सर ये मिल कभी गया। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि एसीबी आर इन एपी, इफ एसीबी आर इन एपी देन आपको मिलेगा 10a/2 × 10b/2, करेक्ट? हाँ सर इफ एसीबी आर इन एपी, सर जो मिडल में लिखा होगा उसके अलावा बाकी यस दोनों के टेन को यस, 1/3 बोले। देन यू हैव टू मेक 10a/2 × 10b/2 = 1/3। तो आप ये रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वाइस वर्सा भी। इफ 10a/2 × 10c/2 = 1/3 देन एबीसी आर इन एपी, ठीक है? और ये जो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट का रिजल्ट यूज हुआ है, तो इनिशियली नहीं पता होता है कि मतलब क्या करना है, तो ये हार्डली बहुत कम बच्चे करते हैं क्वेश्चन को, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जस्ट फाइंड आउट टैन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, मेरा वही कोशिश रहेगा कि मतलब मैं टैन सी बाई टू निकाल पाऊंगा तो मुझे कुछ दिखाएगा, अदरवाइज टैन ए बाई टू एंड टैन बी बाई टू इंडिविजुअल फॉर्मूला डालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10a/2, 10a+b डालो। हाँ, 10a+10b/1 वन माइनस माइनस 10a/2 सर 10a × 10b, ठीक है? तो 10a+b/2 ट्रायंगल में क्या होगा? ट्रायंगल केस में 10a+b/2 क्या होता है? NC/2 cot C/2 cot C/2, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल लगता है cot C/2। 10a/2 का वैल्यू 5/6 प्लस 10b/2 20/37 अपॉन 1 - 5/6 × 20/37,
37 इंटू 5 कितना 185 प्लस 120 305 अपॉन 37 इंटू 6 कितना 222 माइनस 100 122। यहाँ पे भी स्ट्राइक नहीं होता है, ये कितना देता है? दिस इज 5/2 डिविजिबल बाय 61 बोथ, ये भी स्ट्राइक नहीं होता है। ओके तो अभी 10c/2 क्या मिल गया 2/5, 10a/2 मेरे पास क्या था 5/6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा 2/5 × 5/6 दैट इज 1/3। आज 10a/2 × 10c/2 इज 1/3 इंप्लाइज व्हाट? ABC आर इन आपका क्वेश्चन पूछा था कि 2 times of a plus c upon 3b, a plus c की जगह आप 2b डाल सकते हो which is 4/3। समझाइए कैसे हुआ? हाँ सर बैठो। डन हाँ सर। ओके डू दिस वन।
एनीथिंग और कुछ मिला? करेक्ट वन। इसमें डालो हेरन्स रूल डालो, क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्योंकि राइट साइड में आपको एस का ही फॉर्मेट देगा, इसलिए राइट साइड क्या होगा? टू इनटू करेंगे ए ए प्लस स्क्वायर बी माइनस बी माइनस स्क्वायर सी। डालेंगे, उसके बाद हाँ, टू ए इनटू एस माइनस बी माइनस प्लस सी, और ये आपका हो जाता है टू इंटू एस माइनस सी, ये होता है टू इंटू एस माइनस बी। तो एक एस माइनस बी, एस माइनस सी को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक क्या बचेगा? एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट बिकम 4। आर आई करेक्ट? हाँ स्क्वायर रूट सर। से कैंसिल होगा और एक स्क्वायर रूट बचेगा ना, तो ये होगा 4। ये किसका फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला? हाफ एंगल। सर रूट ऑफ कॉट ए बाई टू रूट कहाँ से? कॉट ए बाई टू। कॉट ए बाई टू, यही फॉर्मूला इज इक्वल टू 4। तो टेन ए बाई टू क्या होगा? 1/4। तो अभी आपको साइन ए चाहिए। साइन ए टेन ए बाई टू में क्या होता है? साइन टू थीटा। टेन थीटा में क्या होता है? साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। करेक्ट डालो। तो ये 1/2 16 ऊपर चला जाए, 8 समझा? हाँ सर। होमवर्क असाइनमेंट 1 मैं डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में, डाल रहा हूँ। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो यू कैन डू अदर। ठीक ठीक है सर। है, चलो। थैंक बाय यू सर। एंड बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर।